ओम श्री गणेशाय नमः। ज्येष्ठ देवताय नमः। जय कुल देवताय नमः। मेरा नाम आचार्य जानी। आज हम बात करेंगे 1 मई 2023 की राशिफल के बारे में। भविष्यवाणी तीन राशि कर्क राशि होगी, तुला राशि एवं धनु राशि। कर्क के स्वामी होते चंद्रमा, तुला के राशि स्वामी होते शुक्र एवं धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति। चंद्रमा मन के कारक है। जन्म पत्रिका में 35% शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। ये प्रत्यक्ष देवता है चंद्रमा। वैसे ही तुला राशि के स्वामी थे शुक्र। आदित्य गुरु शुक्राचार्य है जो कि हमारी जन्म पत्रिका में शुभ के कारक माने गए हैं। वाहन इत्यादि के कारक माने गए हैं। शुक्र जन्म पत्रिका में शुभ हो, शुभ स्थिति में बैठा हो तो मनुष्य को ऐश्वर्य से लेके धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब शुक्र दिलाते हैं। वह बहुत धनवान होगा। एवं धनु राशि के स्वामी बृहस्पति, यहाँ देव गुरु बृहस्पति है जो कि जन्म पत्रिका में जो मनुष्य को बुद्धि ज्ञान से लेके नौकरी से लेके विवाह इत्यादि से लेके संतान से लेके सुख प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि किन अक्षरों से बनी हुई है, किन चरणों से बनी हुई है। ही अक्षर हो गया, हो अक्षर हो गया, हे अक्षर हो गया, हो अक्षर हो गया, डा अक्षर हो गया, डी अक्षर हो गया, डो अक्षर हो गया, डे अक्षर हो गया, डो अक्षर हो गया। 9 चरणों से कर्क राशि बनी हुई है, जैसे कि जिनका नाम हेमा हो गया, हीना हो गया इत्यादि, उनकी कर्क राशि है। तुला राशि की बात करते हैं, तुला राशि के अक्षर डा अक्षर हो गया, री अक्षर हो गया, रो अक्षर हो गया, रे अक्षर हो गया, रो अक्षर हो गया, ता अक्षर हो गया, ती अक्षर हो गया, तो अक्षर हो गया, ते अक्षर हो गया। 9 चरणों से तुला राशि बनी हुई है, जैसे कि जिनका नाम जैसे रमेश हो गया, राहुल हो गया, रूपा इत्यादि, उनकी तुला राशि बनती है, उनकी तुला राशि है। अब बात करते हैं धनुराशि के बारे में। धनुराशि के चरण ये अक्षर हो गया, ये अक्षर हो गया, यो अक्षर हो गया, भा अक्षर हो गया, भी अक्षर हो गया, वो अक्षर हो गया, धा अक्षर हो गया, फा अक्षर हो गया, ढा अक्षर हो गया, भे अक्षर हो गया। 9 चरणों से धनुराशि बनती है, जैसे कि यामिनी हो गई, योगेश्वरी हो गई, धीरज हो गया, भुवन हो गया, भुवन। अब बात करते हैं भविष्यवाणी के बारे में 2023 1 मई की। कर्क राशि, तुला राशि और धनु राशि वालों को शत्रु से धोखा मिलेगा। धन में, व्यापार में, प्यार में, रिश्ते में, इसलिए आप यहाँ उपाय करें। उपाय इस तरीके से, जैसे कि कर्क राशि वाले उस दिन शिव की पूजा करें, शिवलिंग में जल इत्यादि चढ़ाए, शुभ होगा। किस दिन? 1 मई 2023 को प्रातः के समय। तुला राशि वालों के लिए उपाय, गौ माता को रोटी गुड़ खिलाए, जल पिलाए, गौ माता के पैरों की मिट्टी जरूर लगाए, उससे आपको यश मिलेगा। नवग्रह की स्थिति ठीक रहेगी, यानी कि नवग्रह मजबूत होंगे गाय के पैर की मिट्टी माथे पर। अब बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए उपाय, हल्दी डालकर स्नान करें, हल्दी का टीका जरूर लगाए, 5 पुस्तक मंदिर में दान करें, धर्म संबंधित पुस्तक। हल्दी और पीले सरसों का दान करें। यहाँ आपको यहाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।